में सबसे पहले हम हुमायूं के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम जो पढ़ेंगे उसके अनुसार हम इसका आगे जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि हमने जो पढ़ा है वो हम कितना पढ़ा है ये टेस्ट के लिए हम आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा हुमायूं के बारे में आपको बता देते हैं। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन, जो कि बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, और बाबर के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते बाबर की मृत्यु के बाद 23 वर्ष की अवस्था में वो सिंहासन पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसमें कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी, और जो अपने चचेरे भाई थे सुलेमान मिर्जा, हुमायूं ने उसे बदख्शां प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। तो चलिए इसके युद्ध के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कलिंजर का अभियान। तो सबसे पहला अभियान है कलिंजर का अभियान। 1531 में हुमायूं ने बुंदेलखंड के कलिंजर किले को घेर लिया था, पर जो महमूद लोधी है वो बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ने लगा था, जिसके कारण जो हुमायूं है उन्होंने वहीं पर संधि करके वो भी जौनपुर की तरफ बढ़ चले इसको रोकने के लिए। फिर नेक्स्ट है 1532 में वो हुआ दोहरिया का युद्ध। 1532 में हुमायूं ने महमूद लोधी, जो कि अफगानी थे, को जौनपुर के पास गोमती नदी के तट दोहरिया में हराकर जौनपुर पर कब्जा कर लिया। तो अगला युद्ध है उन्होंने जो लड़ा, चुनार का प्रथम घेरा, जो कि हुआ 1532 में। चुनारगढ़ के किले पर शेर खां ने अपना अधिकार कर लिया था। ये वही शेर खां हैं जो बाद में शेर शाह बन जाएंगे। चूंकि यह किला अत्यंत ही महत्व का था, अतः हुमायूं ने 1532 में किले पर घेरा डाल दिया। वह 4 माह तक घेरा डाले रहा, उसे अभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसी बीच राजस्थान पर गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने अपना दबाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो हुमायूं जो है वो शेर खां से समझौता कर वापस आगरा आ गया। दोनों के मध्य हुए समझौते में शेर खां ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। तो चलिए अगला जो युद्ध है वो देखते हैं, जो कि है बहादुर शाह से संघर्ष। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, तो हुमायूं के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया। अतः बहादुर शाह की शक्ति का दमन करने के लिए वह भी चल दिया। इस समय बहादुर शाह व हुमायूं के मध्य संघर्ष हुआ। इसमें हुमायूं को सफलता मिली और हुमायूं की ये विजय महान थी, परंतु ये जो विजय थी वो स्थायी नहीं थी। तो चलिए देखते हैं अगला युद्ध है चौसा का युद्ध, जो कि हुआ था 1539 में, 1539 में। जब हुमायूं बहादुर शाह से लड़ाई कर रहा था, तब तक शेर खां ने अपनी शक्ति में बहुत अधिक विस्तार कर लिया था। जब हुमायूं शेर खां का दमन करने बंगाल पहुंचा, तब तक शेर खां ने बंगाल को पहले ही लूट लिया था, और बंगाल से लौटती हुई मुगल सेना पर शेर खां ने आक्रमण कर दिया। गंगा नदी के तट पर शेर खां और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना पराजित हो गई और हुमायूं अपने प्राण को बचाने के लिए गंगा नदी में कूद पड़ा था। वह डूबने ही वाला था कि एक भिश्ती ने उसे बचा लिया था। चौसा के युद्ध में पराजित होने के कारण हुमायूं की प्रतिष्ठा को बहुत ही आघात पहुंचा था। तो चलिए अगला युद्ध देखते हैं, जो कि है बिलग्राम का युद्ध, जो कि हुआ था 1540 में। इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। यह जो युद्ध था वो कन्नौज के निकट हुमायूं और शेर खां की सेना के मध्य हुआ था। यह युद्ध कन्नौज के निकट हुमायूं और शेर खां की सेना के मध्य हुआ था। 1540 को घनघोर वर्षा होने के कारण उस दिन मुगल खेमे में पानी भर गया। 17 मई को मुगल सेना हुमायूं के आदेश पर ऊंची भूमि की ओर बढ़ रही थी, तभी जो शेर खां है उसकी जो सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मुगल सेना अपने तोपखानों का प्रयोग नहीं कर पाई थी और हार गई। हुमायूं आगरा की तरफ भागा। यहाँ पर उसके भाइयों ने भी उसकी सहायता नहीं की और उसे धोखा दे दिया। शेर खां हुमायूं का पीछा करते हुए आगरा पहुंचा, अतः हुमायूं वहां से भी भाग निकला। शेर खां ने बहुत ही आसानी से दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। जो बिलग्राम का युद्ध था उसके बाद हुमायूं भारत में इधर उधर भागता रहा, किंतु जो शेर खां है उन्होंने उसका पीछा किया, हर जगह उसका पीछा किया। हुमायूं को अपने किसी भी परिवार से, सगे संबंधी से कोई भी सहायता नहीं मिली, अतः वो भारत छोड़ने को बाध्य हो गया था। और जब वो निर्वासित जीवन जी रहा था, तो उन्होंने अमरकोट के राजा राणा वीरशाल की शरण में आए
और इसी निर्वासन के दौरान हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे, हिंदाल जो उनके भाई हैं, उनके आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की जो पुत्री थी हमीदा बानू बेगम, उनसे 1541 को हुमायूं ने निकाह कर लिया और अकबर का जन्म हुआ। अमरकोट के राजा राणा वीरशाल के महल में ही अकबर का जन्म हुआ था। बाद में ईरान के शाह के यहाँ उन्होंने शरण ले ली थी। भारत पर पुनः अधिकार उन्होंने कैसे प्राप्त किया? शेर शाह के उत्तराधिकारी जो इस्लाम शाह थे, उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात जो अफगान थे उनमें फूट पड़ गई। जब यह बात हुमायूं को पता लगी तो उसने पुनः भारत विजय की योजना बनाई। 22 जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को परास्त कर अफगानों की सत्ता को भारत में, जो भारत से सदैव के लिए उखाड़ फेंका था। आगे बढ़कर हुमायूं ने जुलाई 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अधिक दिन तक शासन नहीं कर सके। 1556 में उनकी दीन पनाह के पुस्तकालय से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए आगे, अब हुमायूं के बारे में हम क्वेश्चन आंसर से जानते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हुमायूं से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आगे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं की लाइफ हिस्ट्री थी, हुमायूं के बारे में, जिसकी रचना की थी गुलबदन बेगम, जो कि उनकी सौतेली बहन थी, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर उसकी मृत्यु हो गई? तो लेन पुल जो थे उन्होंने लिखा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता ही रहा और लड़खड़ाकर उसकी मृत्यु हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह भवन में लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर हुई थी? ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से भवन में हुई थी, तो दीन पनाह भवन में हुई थी, इसे हुमायूं ने ही बनवाया था, तो हुमायूं की मृत्यु यहाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने दिल्ली में किस दुर्ग की स्थापना की थी, मतलब किस नगर की स्थापना की थी? तो हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, जिसमें जो हुमायूं था उसने फिर से आक्रमण किया और शेर खां का जो वंश है सूरी वंश उसको हराया, और इस युद्ध में उनका साथ दिया था बैरम खां, और ईरान के जो शाह थे उन्होंने इस युद्ध में साथ दिया था। और ये जो बैरम खां हैं वो जो आगे चलकर अकबर के संरक्षक भी बनते हैं। कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का क्या क्रम है? तो सबसे पहले उन्होंने देवरा का युद्ध लड़ा, फिर चौसा का युद्ध, पीलग्राम का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। ऐसा क्रम में रखो, ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये था अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा? तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं के गुजरात अभियान के समय गुजरात का शासक कौन था? तो हमने पढ़ा था बहादुर शाह थे गुजरात के शासक, और जो हुमायूं के सबसे बड़े दुश्मन थे वो थे बहादुर शाह, जो कि गुजरात के शासक थे, और शेर खां वो थे। हुमायूं के अन्य भाई का नाम क्या था? तो हमने बताया था कामरान, अश्करी और हिंदाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो हाजी बेगम ने कराया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और ये जो हाजी बेगम है उनकी पत्नी थी। बिलग्राम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो बिलग्राम, जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, वो हुआ हुमायूं और शेर खां के मध्य, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। इसके पहले हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं पराजित फिर से हुआ था, और अगला युद्ध बिलग्राम का हुआ था, उसमें भी हुमायूं फिर से पराजित हुआ था। इसके बाद हुमायूं 15 वर्ष तक इधर उधर भटकता रहा था बिलग्राम के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद शेर शाह ने शेर खां की उपाधि धारण की थी? उल्टा हो गया शायद। किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी? ऐसा है, तो चौसा के युद्ध के बाद जो शेर खां है उन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी, क्योंकि इस युद्ध में जो हुमायूं की हार थी वो उसके लिए सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि अभी तक जो मुगल साम्राज्य है वो जीतते ही आ रही थी। हुमायूं के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? हमने बताया अफगान नेता जो शेर खां है और गुजरात के शासक है बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा किसका है? तो वो है हुमायूं का मकबरा। हमीदा बानू बेगम कौन थी? हमीदा बानू बेगम अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया।
हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने कराया था। ओके, तो ये था हुमायूं के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।